से वही सारण से जो न्यूक्लियस है मेरा एपी सेंटर, इसी एपी सेंटर का है और उन्हीं के संबंधित है भाई। तो कुल बोकारो में कितने कोरोना पॉजिटिव मिले हैं सर? 10, अब 10 हो गए जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी है और 9 अभी पॉजिटिव केस है। तो अभी कितने सैंपल गए थे सर इसके लिए जांच कर जो आज रिपोर्ट आया है? ये 8 सैंपल गया था, धनबाद गया था, जिसमें से ये 9 सैंपल था, 8 का तो रिपोर्ट निगेटिव आया और एक जो है यही पॉजिटिव है। तो सर अभी कुल कितने सैंपल का रिपोर्ट आना बाकी है? 76 पूरे बोकारो। एक सर बताया जाए कि जिस तरह से झारखंड में बोकारो में भी कोरोना अपना पांव पसार रहा है, और सारण में और तेलों में किस तरह की व्यवस्था की गई है? वो तो पूरा सारण और तेलों मेरा हॉट स्पॉट है, तो वहाँ पर तो घर घर हाउस टू हाउस सर्वे और कंटेनमेंट जो 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर है वो पूरा लॉकडाउन में है, और वहाँ घर घर सर्वे करके ये सर्वे बराबर चल रहा है, जिसमें जो भी सिम्टोमेटिक केस होते हैं उनका जांच किया जाता है, और अगर थोड़ा भी संदेहास्पद होता है तो उनका सैंपलिंग किया जाता है। जो आज कोरोना पॉजिटिव मिला उसका भी कोलेस्ट्री? ये भी रिलेटिव थे इसीलिए हाई रिस्क में थे, और इनको क्वारंटाइन में रखा गया था वहाँ गोनिया में, और उसी क्वारंटाइन सेंटर से सैंपलिंग भी किया गया और आज पॉजिटिव आया था इनको। तो सर इसकी हिस्ट्री देखी जाएगी क्या? हिस्ट्री तो और भी लिया जाएगा, एक बार तो हिस्ट्री लिया जा चुका था, उसी आधार पर इनको संदिग्ध माना गया, अब इनसे और भी पूछताछ होगी कि ये कहाँ कहाँ गए थे और किससे किससे मिले थे, तो अगर कुछ नया हाई रिस्क केस और पता चलेगा तो उनका भी जांच किया जाएगा। तो ये सब कब गया था इसके जांच के लिए सैंपल? 3 दिन पहले गया था, 3 या 4 दिन बाद।